Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a video lecture on regression analysis. Regression analysis होता क्या है? That we need to understand a very basic concept about the regression. And this is a very important topic, not from the examination point of view, but also for the further studies, like if you go for MCOM. Because this concept is totally related to the research, all right. So हमें समझना होगा what is regression, why do we are studying this chapter, and इसको पढ़ने के बाद हमको what do we learn after this studying this chapter, all right. So regression. So first of all we need to understand the basic meaning of this word, that is regression. रिग्रेशन का देखिए मतलब क्या होता है, दैट इज मेकिंग प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा मतलब क्या होता है, दैट मीन्स suppose I am the manufacturer of pen, right? And I want to introduce a new pen at a certain price, right? So now I want to know what would be the sale of a pen at a certain price. एक price पे उसकी जो sale उसकी demand क्या होगी? तो what I do is that I would collect all the past data. बिकॉज पास्ट डाटा में होता क्या है, बिकॉज एज दी अमाउंट ऑफ एज द प्राइस ऑफ दी पेन इंक्रीजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो उसकी उसकी वजह से जो भी सेल में जो भी इम्पैक्ट आया वो मुझे जानना है, राइट. मीन्स कितने प्राइस पे उसकी सेल क्या थी वो देखना है, ठीक है. मीन्स प्राइस बढ़ने के साथ सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है तो वो देखना है मुझे, राइट. तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दैट मीन्स रिग्रेशन वाला क्या होता है, दैट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू प्रेडिक्ट लाइक व्हाट वुड बी दी व्हाट वुड हैपन इन दी फ्यूचर, ठीक है. इससे पहले देखिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज कोरिलेशन. समटाइम्स क्या होता है कि हम वी आर कन्फ्यूज होते हैं लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन. देखिए कोरिलेशन हमने क्या पढ़ा था, कोरिलेशन कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेशन बेसिकली टेल्स द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, राइट. अब कोरिलेशन से क्या पता चलता है हमें कि वेदर देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. अब रिलेशन तो है बट कौन सा रिलेशन है, दैट मीन्स वेदर देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन, मीन्स वेदर दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और वेदर दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कौन बताता है, ये बताता है कोरिलेशन, ठीक है. बट वेन वी कम टू दी रेग्रेशन, रेग्रेशन मतलब क्या होता है, अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई. अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सपोज दिस इज दी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स अगर हम इन शॉर्ट में बोलें द डिफरेंस बिटवीन दी कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन, कोरिलेशन जस्ट ओनली टेल्स द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड रिग्रेशन टेल्स द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. मीन्स अब जैसे मैं बोल लूँ कि भाई लाइक यस देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एक्स अगर ऊपर जा रहा है तो वाई भी ऊपर जा रहा है, एक्स अगर नीचे जा रहा है तो वाई भी नीचे जा रहा है. सो ये तो बताते कोरिलेशन में, बट रिग्रेशन में क्या बताता है कि वाई की वजह से ही एक्स मूव कर रहा है. मीन्स अगर वाई ऊपर जा रहा है तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, एक्स भी ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. ऐसी अगर वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. सो दैट मीन्स द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेल बाय दी रिग्रेशन, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट. अच्छा यहाँ पर जो है एक्स और वाई मैं सिर्फ दो, ये नहीं कि मैं हमेशा जैसे मैं इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स समय आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
आप कुछ भी ले सकते हो, आप वाई को डिपेंड ले सकते हो और एक्स को इंडिपेंडेंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए लेट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर डीपली। ऐसा होता क्या है, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एग्जाम्पल जैसे दे, वाई क्या है डिपेंडेंट है एंड एक्स क्या है इंडिपेंडेंट है, राइट। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच मीन्स देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स, राइट। अच्छा, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए को नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्स एक्सप्लेनिंग टू दी वाई, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है, तभी तो बोलते हैं कि वाई जो डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एक्स, सो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वाई मैंने क्या लेट किया है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई क्या लेट किया हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दैट मीन्स वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, दैट मीन्स वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने कहा दैट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू कलेक्ट द डेटा एंड देन मेक प्रेडिक्शन एज पर दी एक्सपेक्टेड डेटा, दैट मीन्स वट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, ओके। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल दे, मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू नो वट वुड बी द सेल ऑफ अ पेन, और सॉरी वट वुड द डिमांड ऑफ द पेन एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्शन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दी प्रीवियस डेटा, तो मैं उसको एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। जो भी पेपर जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड डेटा आएगा, नॉट दी एक्चुअल डेटा। मैं जो भी प्रेडिक्ट करूंगा वो सब क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा, नॉट दी एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि वट एवर वी गेट डेटा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड डेटा एंड देन वी विल कंपेयर विद दी एक्चुअल डेटा। एंड आपको पता है कि अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे, हम प्रेडिक्शन हमारी कभी 100% एक्यूरेट पॉसिबल ही नहीं है, एक्यूरेट हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स देर वुड बी अ डिफरेंस, सो जो भी जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एरर। क्या बोलेंगे उसको, एरर, एरर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूँ भाई, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, आपने जो है कुछ इसकी प्रेडिक्शन करी कि भाई मान लीजिए अगर मैं इसके प्राइस को मान लीजिए 15 रुपीज़ पे सेल करता हूँ तो इसकी सेल मान लीजिए होगी 5,000 यूनिट्स, ठीक है, 16 होगी तो आपने डिसाइड किया 4,000 इसकी यूनिट्स डिमांड होगी, 17 रुपीज़ पे होगा तो इसकी डिमांड मान लीजिए 3,000 यूनिट्स की हो जाएगी, ठीक है, ये आपने निकाला। अब मान लीजिए आपने एक प्राइस सेट कर दिया, मान लीजिए 16 डिसाइड कर लिया आपने प्राइस, ये आपने फिक्स कर दिया, अब आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि 4,000 की होगी, बस जरूरी होना 4,000 की होगी, मान लीजिए सेल हमारी हुई है एक्चुअली में 3,500 की, आपने प्रेडिक्शन कहते इतना, तो डिफरेंस जो क्या हुआ, क्या हुआ आपका एरर, 500 क्या हुआ आपका एरर, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है, 4,500 भी हो सकता है, तो एरर तो तब भी आया, ठीक है। तो एरर दोनों तरफ के हो सकते हैं, यानी कि दैट मीन्स जब अगर मान लीजिए अगर आपका एक्सपेक्टेड डेटा अगर मान लीजिए ज़्यादा हुआ देन द एक्चुअल डेटा, दैट मीन्स यू हैव ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है, एंड इफ द एक्सपेक्टेड डेटा इज लेस देन एक्चुअल डेटा सो दैट मीन्स यू हैव अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी दैट इज एरर टर्म, तो कोई ना कोई तो एरर टर्म तो होगा ही होगा, राइट। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। जैसे वी ऑलवेज हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स देखिए वहाँ पर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, हमें यहाँ पर दो ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं एक्स एंड वाई, और कोई वेरिएबल लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स आपका वैसे तो एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन, बट मल्टीपल रिग्रेशन इज नॉट इज द सिलेबस ऑफ योर पार्ट, सो वी आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दैट इज लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है आपका, आपके पास सिर्फ दो, हम सिर्फ बाई वेरिएबल के लेके चल रहे हैं, ठीक है, दैट इज वेन वी हैव टू वेरिएबल्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, दैट इज वेदर देर इज एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम और नॉट,
राइट। चलिए अब देखिए हमारा फर्स्ट है दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x, राइट। तो देखिए आपकी एक ही इसकी जो इक्वेशन वो क्या होती है, दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर ए क्या होता है, ए क्या होता है यहाँ पर, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पर जो बी क्या है वह क्या आपका स्लोप। कॉन्स्टेंट वाला क्या होता है, दैट से मान लीजिए वाई क्या आपकी सेल्स है एंड एक्स क्या है, हम एक्स के लेके चल रहे हैं दैट इज सपोज प्रमोशन, दैट मीन्स जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतनी सेल इंक्रीज होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। बट अगर मान लीजिए प्रमोशन हुई नहीं तो क्या आप सेल होगी नहीं, तब भी कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे वो कोई भी कितनी भी कितने, चाहे बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम हो लेकिन कुछ तो होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स एक फिक्स सेल होगी होगी, तो उसको होते हैं कॉन्स्टेंट, राइट। अब यहाँ पर एक्स क्या लिया, जैसे मैंने बोला प्रमोशन, दैट मीन्स अगर एक्स अगर प्रमोशन होता है, दैट मीन्स जितना हम प्रमोशन करते हैं तो कितने टाइम्स वो इफेक्ट करता है किसको, सेल्स को, वो क्या बताता है, दैट मीन्स स्लोप। दैट मीन्स हम ही पता बी क्या पर, दैट मीन्स सेंसिटिव, दैट मीन्स एक्स वेरिएबल जो है कितना सेंसिटिव है वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मीन्स क्या जितना हम जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे क्या उससे ज़्यादा टाइम्स सेल बढ़ेगी, या पता चले कि प्रमोशन तो हमने बहुत ज़्यादा कर दी बट सेल उतनी उतनी टाइम से इतनी बढ़ी नहीं है, या हो सकता है सेल गिरी जाए। भाई मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर दिया एंड देन पीपल बिकम लेजी, प्रमोशन हो गया चलो सैलरी मिले कोई दिक्कत नहीं, हमें सेल से क्या मतलब है, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी के बताते हैं दैट मीन्स कि हम अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है कितना डिपेंडेंट है वाई पे, दैट मीन्स कितना सेंसिटिव हो, दैट टॉक्स अबाउट द स्लोप, दैट इज बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट आपका इसी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड देखिए मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी दैट एक्चुअल डेटा और यू कैन से सॉरी एक्चुअल डेटा इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड डेटा। बट अगर मान लीजिए अगर आप कोई भी अगर आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, तो आप जो भी प्रेडिक्शन करोगे तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि लाइक ठीक है आपकी जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू या जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेटा है दैट वुड बी मोर एंड मोर इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल डेटा, इक्वल है, मीन्स ना तो ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड हो ना ज़्यादा आपका ओवर एक्सपेक्टेड हो, मीन्स क्लोज हुए हो तो अभी भी ठीक है, इक्वल तो कभी पॉसिबल नहीं कि एग्जैक्ट बिल्कुल 100% इक्वल हो, नहीं है। तो दैट मीन्स यू वॉन्ट टू मिनिमाइज द एरर टर्म, राइट, एरर टर्म को मिनिमाइज करने जा रहे हो। सो टू मिनिमाइज दैट एरर टर्म वी यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। क्या यूज करते हैं मेथड, दैट इज लीस्ट, दैट मीन्स टू मिनिमाइज द एरर टर्म, राइट। तो इसके देखिए हम क्या करते हैं, देखिए जो इक्वेशन दैट मीन्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसी को मैं आगे फर्दर जो है एक्सपेंड कर रहा हूँ, कैसे करना, देखिए समेशन ऑफ वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, इसको बस मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन ऑन द सेकेंड स्टेप आई विल मल्टीप्लाई विद द एक्स वेरिएबल, दैट मीन्स सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप जब भी रिग्रेशन इक्वेशन करोगे वाई ऑन एक्स, सो यू विल हैव थ्री इक्वेशन, दैट मीन्स दिस वन फर्स्ट, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मिनिमाइज योर एरर टर्म यू नीड टू यूज दिस टर्म ऑल्सो एंड दिस टर्म ऑल्सो, कैसे करना है वो हम आगे फर्दर करेंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अच्छा यहाँ पर याद रखना मैंने अभी सिर्फ एक इक्वेशन दिया था वाई ऑन एक्स, इसको वाई वैसे आप एक्स ऑन वाई भी कर सकते हो, देखो एक्स ऑन वाई का तो इक्वेशन कर जाएगी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है, तो भी सेम ही होगा, बस आपके जो है वो आपस में वो क्या कहते हैं कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत सर आपने तो एक ही इक्वेशन करा, ऐसे नहीं है दोनों ही इक्वेशन है, ठीक है। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको समझ आया क्या यूज कर, दैट मीन्स टू मिनिमाइज द एरर टर्म, राइट। चलिए so this is the basic concept all about the regression. Now let study this with the help of some illustrations.
फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस। डेटा गिवन आपको एक्स वेरिएबल गिवन है एंड वाई वेरिएबल गिवन है, राइट। अच्छा देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल दे दिए, हमें बताया नहीं है कि विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हमें बताया नहीं है। तो उसी के लिए तो हमसे पूछा हुआ है दैट वी नीड टू फाइंड आउट द बोथ इक्वेशन, दैट मीन्स दोनों निकालने में, दैट मीन्स वाई वन एक्स बी एज वेल एज एक्स वन एक्स वाई। इक्वेशन आपको पता ही है, हमें इक्वेशन को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर हम निकालेंगे वाई वन एक्स, तो हमें ये तीनों ही इक्वेशन यूज करनी है। देखिए अल्टीमेटली पहुंचना तो हमें इस पे है ना। देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है बेसिकली, वी नीड टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। दैट मीन्स हमेशा क्या करना है, आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है और आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से के हेल्प से, और लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको ये दो इक्वेशन भरी, इन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट रिग्रेशन इक्वेशन, दैट मीन्स वाई होना है, दैट मीन्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन सिंपल है, देखिए दो इक्वेशन गिवन है, बस उसकी वैल्यूज हमें लिख लेते हैं। देखिए अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो एक काम करो, पहले आपने अच्छे से फॉर्मूला लिख लो। देखो फॉर्मूला में आपको एक पहले सॉल्व, सॉरी एक क्या बोलते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं। आपको एक्स गिवन है एंड वाई गिवन है, वैल्यूज आर 6, 2, 10, 4, 8, इनका टोटल करेंगे सो दैट वुड बी 13। देन फॉर वाई वेरिएबल 9, 11, 5, 8 एंड सो ऑन, एंड द टोटल इज दैट इज 14, राइट। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले क्या करो, आपने जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप पहले कर रहे हो, सपोज वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं अभी हम पहले से, ठीक है। तो उसको जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले क्या होता है, देखिए सिग्मा ऑफ वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। एंड द सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये दो इक्वेशन होती है। तो हमें कहती थी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए थी फर्स्ट इक्वेशन में, तो सिग्मा वाई निकाल लिया हमने, ठीक है। एन कैप का यहाँ पर, एन कैप यहाँ पर 5 हो जाएगा भाई, 5 की आपको टर्म दे रही है, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट ये तो कभी गिवन होता नहीं है, बी वो हमें निकल जरूरत नहीं है, सिग्मा एक्स हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमें मैंने पहले निकाल ली, इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपका 40 इक्वल टू 5a प्लस 30b, ये निकाल लिया। फॉर सेकेंड अब हमें करना, देखिए अब हमें करना सिग्मा ऑफ एक्स वाई, तो पहले क्या करें, हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 54, 22, 50, 32, 56 एंड द टोटल इज दैट इज 214, राइट। तो बस इसकी वैल्यू बना ली, तो दैट इज 214 इक्वल टू सिग्मा एक्स हमने निकाले, दैट इज 30a प्लस अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, दैट्स इट, एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेंगे, देखिए 36, 4, 116, 64 एंड ये टोटल इज 220। तो बस ये क्वेश्चन आ गया अभी, दैट इज 220b, ये दो क्वेश्चन आ गई। नाउ वी जस्ट नीड टू इसको हम बस दो क्वेश्चन आ गई, तो इसको क्या करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, सॉरी ये आपका 30 होगा, 30a होगा सर, 30a, राइट। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 240 इक्वल टू 30a प्लस 180b
And the second question is 214 equal to 30a plus 220b, right? तो देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया आपका, सो दैट इज इक्वल टू 26 इक्वल टू माइनस 40b. सो b की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, दैट इज माइनस 0.65, राइट? तो बस अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी, दैट मीन्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. देखिए इक्वेशन आती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अभी हम क्या करते हैं, y1x कर रहे हैं. तो देखिए y इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं यहाँ से. तो देखिए a की जो वैल्यू आपकी आएगी, आपकी यहाँ से जब a निकालोगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट नाइन आपकी आ जाएगी, राइट? तो देखिए 11.9 माइनस 0.65b, दैट्स इट. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यह भी चाहिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी, राइट? सिमिलरली अब आपको क्या करना है, एक्स ऑन वाई भी करना है, सेम है, देखिए इजी है. अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स ऑन वाई निकालना है. तो देखिए एक्स ऑन वाई में आपकी देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिएगा ध्यान से, देखिए देखिए सिग्मा एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई एंड देन सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, राइट? तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सिग्मा एक्स हमारा टोटल क्या है, दैट इज 30, 30 इक्वल टू 5a प्लस 40b. इसमें क्या हुआ देखिए, अभी हमने निकाला 214 इक्वल टू सिग्मा वाई का टोटल क्या था आपका, 40a प्लस, अच्छा अब हमें वाई स्क्वायर निकालना होगा, 81, 121, 25, 64, 56, ठीक है? अब ये टोटल हो गया आपका, दैट इज 314, राइट? सो बस ये आपकी इक्वेशन आ गई, दैट इज 340b, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से. सो आफ्टर मल्टीप्लाई में 8 यू विल गेट 240 इक्वल टू 40a प्लस 320b. देन 214 इक्वल टू 40a प्लस 340b. नाउ दस इक्वेट दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 26 इक्वल टू माइनस 20b. सो दैट मीन्स बी इक्वल टू माइनस 1.3. तो ए जब निकालोगे तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 16.4. तो देखिए अब सेकेंड इक्वेशन की आपकी क्या होती है, एक्स ऑन वाई की, दैट इज एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है? सो एक्स इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3 वाई, दैट्स इट. सो दिस विल बी अनदर इक्वेशन, दैट इज एक्स ऑन वाई, दैट्स इट. हमसे ये पूछा हुआ था, देखिए हमसे तो ये पूछा हुआ था, ऑल राइट? सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इक्वेशंस, राइट? चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. देखिए अभी हमने जो टॉपिक किया, दैट इज हमें क्या निकालना है, वी हैव जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डी स्क्वायर मेथड, राइट? अब इसमें कम समटाइम्स आपको देखिए, अब हमें जैसा हमने देखिए मीन और मीडियन में कटा था, अब हम करेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन, देन हम करेंगे डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है? तो जब ऐसा डेटा गिवन हो तो हमें कैसे निकालना है वो ध्यान से लिखना है. टॉपिक यहाँ पर देखिए, पहले आप लिखें यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन. अब उसके इसमें देखें आपकी रेगुलराइजेशन इक्वेशन क्या बन जाएगी. पहले फर्स्ट लेते हैं, दैट इज रेगुलराइजेशन इक्वेशन
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, कैलेरन डेविशन टेकन फ्रॉम मीन, सो एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू वाई माइनस वाई मीन, आगे लिखना है आपको आर। देखिए हम कर रहे हैं एक्स ऑन वाई, सो आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दिस वुड बी दी फॉर्मूला, राइट। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे आप, एक टर्म है इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन को एफिशिएंट, रिग्रेशन को एफिशिएंट। देखिए इस रिग्रेशन इक्वेशन को हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके देखिए और भी तरीके लिखेंगे। पहला तो यही है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा इतना कंफ्यूज मत होना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ऊपर क्यों आया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे क्यों आया, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं एक्स ऑन वाई, सो एक्स ऑन वाई आएगा, सो दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपका आ जाएगा डिनोमीटर में, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई है तो पहले एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते थे कि ये याद चीज याद रखना, ये क्या लिखा है मैंने, लिखना था वे ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, किस किस तरीके से ले सकते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन किसी भी तरह से मैं गिवन होता तो हमें देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट था, दैट मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, एंड हमने फर्स्ट डिस्कस किया दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सेकेंड है दैट मीन्स रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कब, व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। तो क्या हुआ देखिए फॉर्मूला वही सेम, वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाई एक्स माइनस एक्स मीन, राइट। अब इसमें भी ये क्या आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, उसको आप देखिए किस किस तरीके से कर सकते हो, दैट इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं करना, देखो वही है, देखो सेम, अब क्या जाएगा यहाँ पर बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है मेन तो इक्वेशन देखो यही है, तो ये याद रखनी है मेन इक्वेशन तो, ठीक है। तो ये कब कब करना आपको, दैट मीन्स व्हेन वी आर लाइक डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, राइट। अच्छा ये जो हमने टर्म पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए टर्म में कन्फ्यूज मत होना, थोड़े बोलने में एक जैसे लगते हैं बट कन्फ्यूज मत होना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाउ टू फाइंड आउट इन द केस ऑफ रिग्रेशन, कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड है बी वाई एक्स, बी एक्स वाई बी बी वाई एक्स के हैं, ये क्या आपका अभी हमने पढ़ा बी एक्स वाई, दैट मीन्स रिग्रेशन ऑन एक्स एंड वाई, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई किस केस में, व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बी वाई से, दैट मीन्स रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट निकालेंगे सो वी विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। अच्छा एक चीज़ याद रखना यहाँ पर, लिखो लिखा ये तुम्हें बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स शुड नॉट बी मोर देन वन, मोर देन वन है दैट मीन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो ये दोनों एक वन से कम, देखो जीरो की इसकी वैल्यू जो है देखिए जीरो और वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इसलिए या तो एग्जैक्टली वन हो दैट मीन देर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कोरिलेशन,
दैट मीन देर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, तो ऊपर से ज़्यादा नहीं जाएगी, ना तो जीरो से नीचे, जीरो से नीचे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन, दैट मीन्स मान लीजिए 0.9 वैसा आता है, -0.9 वैसा आता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, मैं इसी क्वेश्चन को एक बार आपको डेविएशन फ्रॉम मीन से भी करा देता हूँ, इसी सेम क्वेश्चन को, सो दैट आपको बेटर और क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने जो भी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने कहता है ये विद द हेल्प ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड, और लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने फर्स्ट स्टेप किया था, फर्स्ट वो यू नीड टू राइट दी इक्वेशंस, आपने पहले इक्वेशन देखी, उसके बाद हमने आपने देखा आपको क्या क्या निकालना है। सिमिलरली आपको जब आप निकालोगे लाइक वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशंस, अगेन हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ देखना पड़ेगा हमें कि हमें निकालना क्या क्या है, निकालना क्या क्या है, तो फॉर्मूला देखिए हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखिए, अगर देखिए हमारा फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है, तो हमें पहले तो मीन भी निकालना पड़ेगा अब हमें, ठीक है, आर भी चाहिए हमें, तो देखा जाए तो, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन पर एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है हमें, ठीक है, फिर हमें वाई माइनस वाई मीन, तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ना निकाल के हम करेंगे एक ही मेथड निकालेंगे इसके हेल्प से, सिग्मा ये हम निकाल लेंगे, इससे हमारा बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा फर्स्ट इक्वेशन ही, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, राइट। तो पहले देखिए मैं एक्स और वाई दो इक्वेशन गिवन है, वैल्यूज क्या आपके देखिए यहाँ पर 6, 2, 10, 4 एंड 8, इसका टोटल था आपका दैट इज 30। वाई की भी इक्वेशन देखिए, वाई की देखिए सीरीज का गिवन आपको 9, 11, 5, 8 एंड 7, टोटल इज 40, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स वाई ऑन एक्स ये निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या अभी हमने क्या पढ़ा, दैट मीन्स किस केस में डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, सो हम क्या कर रहे हैं वाई ऑन एक्स, सो वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू ये लिख रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है हमें, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, सो इट्स बेटर टू यूज दिस दिस फॉर्मूला। तो हमें मीन तो निकालना ही है, तो पहले हम करते हैं एक्स मीन और वाई भी वाई मीन निकाल लेते हैं, तो वो तो इजी है, एक्स मीन कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितना आपका, देखिए एक्स का आपका 30 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, दैट इज इक्वल टू 6, सिमिलरली फिर हो वाई 40 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 8, सो एक्स मीन वाई मीन तो आ गया आपके पास, आपका चाहिए आपको एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स, ये स्मॉल एक्स है, कैसे निकालेंगे हम डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, तो डेविएशन लेंगे हम मीन से, मीन हमने निकाल ही लिया, ठीक है, तो हम निकालेंगे हम स्मॉल एक्स, कैसे निकालेंगे हम एक्स माइनस एक्स मीन, राइट। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, दैट मीन 6 माइनस 6 तो क्या रहेगा प्लस 0, 2 माइनस 6 4, एक काम करते हैं इसको हम, अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 माइनस 6 दैट इज -4, 4 माइनस 2 एंड 2, टोटल करेंगे सो यू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम वाई भी निकाल लेते हैं, वाई कैसे निकालेंगे हम, सॉरी वाई माइनस वाई मीन तो देखिए 9 माइनस 8 माइनस 1, सॉरी 1 ही होगा, 1 देन 3 माइनस 3 0 माइनस 1 अगेन द टोटल इज 0, राइट। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए हमें एंड वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो वाई स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 1 9 9 0 1 दैट इज इक्वल टू 20, राइट। हमें चाहिए एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो देखिए एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या देखो, 0 माइनस 12
minus 12, 0, minus 2, and the total is minus 26, right? बस सारी वैल्यूज को हम कॉमन ले लेते हैं हम। तो देखिए y माइनस y मीन कितना निकाल दिया हमने, दैट इज 8 इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, दैट इज माइनस 26 डिवाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय x माइनस x मीन कितना है आपका, दैट इज 6। दैट्स इट। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा कि जब उसको सॉल्व करोगे जस्ट मिनट। सॉरी यहां पर ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होगा ना, वाई एक्स स्क्वायर होगा ना, वाई वन एक्स कर रहे हैं ना, सो हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स देखिए क्या देगा, 0 16 16 4 एंड 4, राइट? सो दैट वुड बी इक्वल टू 40। दैट इज इक्वल टू 40, सो ये आपका डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40। तो देखिए इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये y इक्वल टू 11.9 माइनस 0.65x, वही सेम बनेगी जो हमने ऊपर किया था इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट? अब हम करेंगे इसको, हम x ऑन y पहले हम फॉर्मल लिख लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपका, x माइनस x मीन इक्वल टू सिग्मा x y बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन, राइट? अब तो हमने सारी वैल्यूज निकाली ली है, तो देखिए हो जाएगा एक्स माइनस एक्स मीन कितना है आपका, 6 इक्वल टू माइनस 26 डिवाइड बाय 20 वाई माइनस वाई मीन, यही हमने निकाल लिया। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट एक्स इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3 y, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए मैंने आपको दो मेथड करा दिया आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बता दी, दैट मीन्स x ऑन y एंड y x विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ वैन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, राइट? एक और मेथड आपका, दैट मीन्स वैन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, when deviation taken from assumed mean, इसके लिए देखिए इक्वेशन को देखेंगे। इसमें आपको मेनली फोकस करना है किस पे, कोएफिशिएंट रिग्रेशन पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना? सॉरी रिग्रेशन को ऑपरेशन पर आपको फोकस करना है। तो देखिए अगर जवाब निकाल, दैट इज आर, पहले हम जैसे एक्स ऑन वाई ले रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू, इसको हम किस तरह निकालते हैं, एन सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स प्रोडक्ट लेंगे मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय x on y, यहाँ पर दैट मीन्स n सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इस पे फोकस करना है, दैट मीन्स व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, तो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस तरह निकालना है ये आपको इस तरह निकालना है, ठीक है? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको इससे बेटर क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। Given the binary data, binary data means, that means when we have two variables. So x variable given है, y series की variable given है, a given आपको fit a regression line of y on x
and then predict y if x equal to 5. Second, fit a regression line of x on y and then predict x if y equal to 2.5. And the last one is calculate Carl Pearson coefficient. अच्छा क्वेश्चन है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, किस तरह करना है दिखना आपको। देखिए वैसे तो कि पूरे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि हमें जो रेग्रेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, वो कौन से मेथड से निकालनी है। लीनियर इक्वेशन निकालनी है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन से निकालना है, डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन से निकालना है, कुछ भी गिवन नहीं है। सो व्हेन नथिंग इज गिवन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको दो मेथड कराए हैं, थर्ड मेथड नहीं कराया, तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो एक्स सीरीज गिवन है एंड वाई सीरीज गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स देखिए वेरिएबल क्या गिवन आपको, 1, 5, 3, 2, 1, 1, 7, 23 सॉरी 23 टोटल, सॉरी 23 आपका टोटल है। सेवन के बाद थ्री आएगा, उसके बाद टोटल आएगा 23, राइट। वाई भी लिख लेते हैं साइड बाई साइड, 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5 टोटल इज 16, राइट। तो अब हम किससे करेंगे, दैट मीन्स व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो पहले एक बार इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मान लीजिए पहले हम निकाल रहे हैं सपोज एक्स ऑन वाई। इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू बी एक्स वाई। बी एक्स वाई समझ क्या होता है आपका, वाई माइनस वाई मीन, ठीक है। अब यहाँ पर बी एक्स वाई निकाल कैसे नहीं देखना आपको, देखिए बी एक्स वाई को अब निकालते रहे हैं। देखिए बी एक्स वाई को हम इस तरह लिख सकते हैं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, दैट मीन्स एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा डी सिग्मा वाई माइनस प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा डी एक्स एंड एंड सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली हमें पहले बी एक्स वाई निकालना है, बिकॉज मीन तो आप निकाल लोगे, मीन तो हमें बी एक्स वाई निकालना है, वो किस निकालना है, हम किस मेथड से कर रहे हैं। तो पहले हमें देख रहे हैं डी एक्स डी वाई निकालना है, किससे कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं। तो पहले हम कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हम एक्स में कर लेते हैं 3 एंड y में कर लेते हैं हम 2, ठीक है, y में हम कर लेते हैं 2। तो क्या करें, देखिए dx एंड dy निकालना है, dx तो कैसे करेंगे, देखिए dx दैट मीन्स 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 4 0, इसका जो टोटल आएगा वह क्या आएगा आपका माइनस वन। फिर हम डी वाई भी निकाल लेते हैं साइड बाई साइड, डी वाई अभी हमने क्या जूम किया दैट इज 2, तो क्या रहेगा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है 4। अच्छा इसमें हम सॉरी 4 नहीं होगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 होगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3 टोटल इज 0। तो देखिए dx dy वाई निकाल लिए, अब हमें y स्क्वायर चाहिए, हमें सॉरी dy वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसी का हम स्क्वायर भी कर देते हैं हम साइड बाई साइड, करेगा 16 1 4 4 1 0 1 9, ठीक है।
तो डी वाई स्क्वायर का फॉर्म टोटल ले लगा 36, डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं बिकॉज हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है ही, सो डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। फोर फोर जीरो वन फोर फोर 16 0 एंड देन टोटल इज 33। अब क्या चाहिए हमें, अच्छा हमें ये भी चाहिए समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम, डी एक्स एंड डी वाई का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सो दैट इज 8, सॉरी माइनस 8 होगा, माइनस 2 0 2 2 0 माइनस 4 0 दी टोटल इज -10। बस नाउ लेट्स जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड क्या आपका दैट इज 10, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स समेशन डी एक्स डी वाई, जस्ट 2 3 8 है, सॉरी 8 है नॉट 10, 8 होगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस समेशन ऑफ डी एक्स कितना आपका, देखिए आपका समेशन ऑफ डी एक्स दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डी वाई दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 8 डी सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज 36 माइनस समेशन ऑफ डी वाई दैट इज 0, 0 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सो जब उसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट -0.278, ये किसकी वैल्यू हो गई, दैट मीन्स बी एक्स वाई की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। सो अब हमें क्या चाहिए, अच्छा मीन भी चाहिए हमें, तो पहले हमें मीन भी निकालना है, तो साइड में करना, देखिए एक्स मीन कितना है, टोटल कितना था इसका, एक्स का आपका दैट इज 23, 23/8 दैट इज इक्वल टू 2.875 एंड वाई मीन टोटल सब का 16/8 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। सो बस इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, सो देखिए एक्स माइनस एक्स मीन कितना आपका 2.875 इक्वल टू -0.278 मल्टीप्लाई बाय वाई -2, ठीक है, सो दैट्स इट। तो यहाँ से आप आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर देखिए x और y में कुछ पूछा हुआ था, अगर x और y है तो प्रेडिक्ट करना है जब y की वैल्यू 2.5 हो, तो y की वैल्यू पे हम 2.5 भी लिख देते हैं, जिसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, सो x इक्वल टू 3.431 माइनस 0.278 y, ये वैल्यू क्या हो जा रही, अब 3.431 माइनस 0.278 इसकी प्लेस पर रख देंगे 2.5, सो x की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 2.736, दैट्स इट, ठीक है ना, इजी था, बस आपको इसमें डेविएशन किस ले रहे हैं, हम अज्यूमड मीन से ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें कहा bx बी वाई एक्स निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें दूसरी भी इक्वेशन निकालनी है वाई वन एक्स, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें बी वाई एक्स, राइट। तो मैं डायरेक्ट देखिए वैल्यू लिख रहा हूँ, आप किसकी वैल्यू देखिए -0.304, ठीक है, तो बस इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो वाई -2 इक्वल टू -0.304 एक्स -2.875, सो y इक्वल टू 2.875 सॉरी -0.304 x, राइट। अच्छा इसमें x की वैल्यू कितनी थी, इज आपकी 5,
हमें वाई निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। सो आपकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 1.354, राइट। सो क्लास दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ वैन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, विद द हेल्प ऑफ वैन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ऑलराइट। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।